एक 14 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ 3 दिनों तक रोहतक के एक होटल में उसे बंधक बनाकर बलात्कार करने के आरोपी को ऊंचा गांव CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़वाकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह वही 22 वर्षीय आरोपी युवक है जिसने गत 3 जुलाई को एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर उसे फरीदाबाद के रोहतक ले गया और उसे एक होटल में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जहां आरोपी ने उसे लगातार बलात्कार किया, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। पुलिस में शिकायत करने वाली बच्ची के भाई की माने तो उसकी बहन घर से विद्यालय जाने के लिए गई थी, लेकिन जब देर शाम वह घर वापस नहीं पहुंची तो उन्होंने उसको इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन खोजबीन करने पर उन्हें पता चला कि तीगांव को रहने वाला एक 22 वर्षीय रोबिन नामक युवक ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। उन्होंने पुलिस को मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी बहन के को उसके हवाले कर दिया है। वहीं ऊंचा CIA पुलिस इंचार्ज नवीन कुमार ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर टाउन पार्क में घुमाने के बहाने ऑटो में बिठाकर और बाद में उसे बस में बिठाकर रोहतक एक होटल ले गया था, जहां उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया, जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में हुई है। वहीं अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में पकड़ा गया युवक पहले से 2 सभी आरोपों को नकारने लगा, लेकिन उसने माना कि उसने गलत किया है और अब उसे पछतावा है। सर, 3 तारीख को हमारी बहन घर से स्कूल के लिए गई थी, पर वो स्कूल नहीं पहुंची और दोपहर तक हमने वेट किया, वो स्कूल से वापस नहीं आई। फिर हम लोग स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद पता चला वो स्कूल ही नहीं आई है। फिर हमने इधर उधर तलाश करने पर हमें पता चला कि एक लड़का है तिगांव निवासी, वो हमारी बहन को उठा कर ले गया था। हम लोगों ने उसके घर जा कर के पूछताछ की तो वो भी अपने घर से फरार था। फिर हमने ग्रामीण लोगों की मदद ली, गांव वालों की, कि भाई इनसे बोल के हमारी बहन को बरामद किया जाए। उन्होंने कहा भी, परंतु उनके कहने के बावजूद उन लोगों ने उसे बरामद नहीं करवाया। फिर अगले दिन हमने फिर हार के पुलिस वालों की मदद ली, उन्होंने फिर हम लोगों की मदद करी। वहाँ से फिर हम लोग CIA में फिर हमारा केस ट्रांसफ़र कराया गया। उसके बाद फिर हमें हमारी बहन बरामद हुई। अब आपकी बहन आपके पास है? हाँ जी, हमारी बहन हमारे पास है। कितनी उम्र थी आपकी बहन? सर 14 साल एज है उसकी। 14 साल एज है तो सर अभी तो खैर हमें पता नहीं चल पाया है, बाकी मेडिकल वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल से हो गए हैं और रिपोर्ट जो भी है कोर्ट में फाइल होगी उसके बारे में, हमें कुछ नहीं बताया गया इस बारे में। अब आप क्या चाहते हैं? सख्त सजा चाहते हैं जिस बच्ची के साथ उसने वो परेशान किया है, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आज हमारे साथ कल वो फिर किसी और की बेटी के साथ यही काम करे। 3 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी कि एक नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले गया। तो ये फाइल हमारे पास 8 तारीख को आई थी, तो हमने, लड़का है रोबिन सन ऑफ डालचंद, ये तिगांव का रहने वाला है, ये एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला के अपने साथ ले गया और 3 दिन उसको रखा रोब तक, उसके साथ दुष्कर्म भी किया है, गलत काम भी किया है, और जिसको हमने 2 दिन के रिमांड पर लिया है, निशानदेही करवाई है, आज उसको अदालत पेश कर देगा। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जो हमने 363/66 तो है ही, जिसमें हमने 376 किसी और 4 पोस्को एक्ट और ईजाद किए। इसमें पहले तो इसमें बुलाया कि चलो पार्क में घूमने जाना है, वहाँ बैठते हैं 1-2 घंटा और फिर चलते हैं। तो लड़की को इसमें बुलाया सेक्टर 3 के दौड़ पर, वहाँ से ये इसको ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा के ले गया बस स्टैंड, वहाँ से चले गए ये रोहतक, वहाँ ये 3 दिन रुके एक होटल में, और फिर 4th दिन उन्होंने चेकआउट किया वहाँ से, जो हमें शॉर्ट से पता लगा तो फिर हमने इनको सेक्टर 12 से अरेस्ट किया था।